गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग नए टॉपिक के साथ इस पावर पॉइंट में पहुँचे हुए हैं। ये सेंट्रीफ्यूगेशन है, ये आपके यूनिट का एक नया टॉपिक है। ये पूरा एक्चुअली में एक चैप्टर ही है सेंट्रीफ्यूगेशन, जो फिल्ट्रेशन अभी हम लोगों ने पहले लेक्चर में जो चैप्टर को पढ़ा, तो फिल्ट्रेशन के बाद ही ये सेंट्रीफ्यूगेशन है। अगर आप अपने सिलेबस को देखें तो आपको ये सेंट्रीफ्यूगेशन दिख जाएगा। ओके, तो ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन है, इस ये भी बिल्कुल वही बात कर रहा है कि ये क्या फेनोमेना है, क्या फिलॉसफी है, इसमें किस तरीके की फिजिक्स, कौन कौन से लॉ लगते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन में, इस सेंट्रीफ्यूगेशन का या इस लॉ का या इसके अंदर जो लॉज और आएंगे इनका फार्मास्यूटिकल या इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स में कहाँ कहाँ पर यूज़ है, हम इन सब चीज़ों को जानेंगे। तो देरी ना करते हुए आज का टॉपिक जो सेंट्रीफ्यूगेशन है, इसके बारे में मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ। इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नोट्स ऐसे ही मैं आपको अटैच करता रहूँगा। सो, पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए कि व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन इज ए प्रोसेस यूज टू सेपरेट और कंसनट्रेट मटेरियल सस्पेंडेड इन ए लिक्विड मीडियम। तो कुल मिला के बात ये कह रहा है कि सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी मटेरियल जिसके अंदर सॉलिड कंटेंट, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक बीकर है, बीकर के अंदर लिक्विड है, लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स बैठे हुए हैं। तो अगर आपको उस लिक्विड पार्ट में से उस सॉलिड पार्ट को अलग करना हो तो कैसे करेंगे, बाई मीन्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि ये एक सेपरेशन करने का एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। लाइन से ही समझ लीजिए क्या कह रहा है, सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ प्रोसेस यूज टू सेपरेट, अलग करने के लिए, ओके, और कंसनट्रेट, और अगर बात मिलाने की भी आए तो कंसनट्रेट मटेरियल्स सस्पेंडेड इन ए लिक्विड मीडियम, किसी भी लिक्विड मीडियम के अंदर जिसमें पार्टिकल्स ऑलरेडी नीचे बैठे हुए हैं, अगर आपको उनको अलग करना हो या उनको ऐसा मिक्स करना हो कि कंसंट्रेटेड फॉर्म में बनाना हो, तो आप कैसे कर सकते हैं, बाय मींस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेकंड पॉइंट देखिए, द थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ दिस टेक्निक इज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन पार्टिकल्स इन सस्पेंशन। तो कुल मिला के बात यह कह रहा है कि इस टेक्निक में एक जो साइंस, जो बेसिक फिजिक्स काम करती है वो है ग्रेविटी, पार्टिकल्स की ग्रेविटी उस लिक्विड के साथ कैसी है। जाहिर सी बात है, ग्रेविटी ज़्यादा है पार्टिकल्स में तो क्या होंगे, नीचे जाके तुरंत के तुरंत बैठ जाएंगे, जिनकी ग्रेविटी हल्की होगी, कम होगी, वो ऊपर की तरफ फ्लोट करते रहेंगे। तो यानी कि इस सेपरेशन प्रोसेस में, इस सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में ग्रेविटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। थर्ड पॉइंट है, टू पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मासेस विल सेटल इन ए ट्यूब एट डिफरेंट रेट्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। तो बात समझ में आ रही है कि दो पार्टिकल्स से दोनों को अगर आपको एक साथ नीचे फ्लो करवाना है, डालना है, तो जिसकी ग्रेविटी ज़्यादा होगी वो जल्दी से जाके नीचे सेटल हो जाएगा और जिसकी ग्रेविटी कम होगी वो धीरे धीरे जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल और कौन सी थ्योरी बेस होती है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में। सबसे पहला होता है सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट। ये इफेक्ट क्या है, सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट क्या होता है, देखिए जरा इसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन टर्म्स ऑफ रेशियो टू द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट। तो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट को अगर डिफाइन करना पड़े तो क्या होगा, इट इज द रेशियो टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, ये एक रेशियो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसी को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट। जैसे एक मैथमेटिकल टर्म्स में और एक न्यूमेरिकल बेस पे दिखाने की कोशिश की है, ये फिगर भी थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, एक सर्कुलर, एक सर्किल है, सर्किल का ये रेडियस r, ठीक है, ये जो m दिख रहा है ये मास ऑफ पार्टिकल है, एक पार्टिकल है जिसका कोई अपना मास है, एरो जो ऊपर की तरफ जा रहा है इंक्लाइन फॉर्म में वो v है, यानी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, एंड f
जो आपके स्लाइड के राइट साइड में दिख रहा है वो क्या होगा, फोर्स। जितना ये पार्टिकल जितना फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, तो ये एक सेंट्रीफ्यूगल प्रिंसिपल है। मैथमेटिकल टर्म्स में देखने की कोशिश करते हैं इसको। ये बता रहा है, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास एम रोटेटिंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर एट ए वेलोसिटी वी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इसको डिनोट अलग अलग टर्म से किया गया है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इन ए रेडियल डायरेक्शन इज गिवन बाई एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एक मैथमेटिकल टर्म है कि अगर मान लीजिए एक पार्टिकल है जिसकी एक अपना मास है और वो एक रेशियो ऑफ वेलोसिटी से घूम रहा है और उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट किया जा रहा है बॉडी पे, तो उसको डेनोट किया गया है एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर हेयर, जिसमें एफ क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एम इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी, वी इज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एंड आर इज रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ रोटेशन, जितना उसने सर्किल रोटेट किया। अब जरा नेक्स्ट देखिए, द सेम बॉडी विल बी एक्टिंग अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर इसमें ग्रेविटी भी लग जाए तो क्या होगा, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज कैपिटल जी इज इक्वल टू एम जी, स्मॉल जी है, तो वेयर कैपिटल जी क्या कह रहा है, कैपिटल जी होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो उस पार्टिकल के उस पे लगा। स्मॉल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। द सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट इज द रेशियो ऑफ टू फोर्सेस, ठीक है, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है, सो दैट फिर क्या होगा, सी इज इक्वल टू एफ बाई जी, और इसको अलग टर्म्स में किया गया है एम वे स्क्वायर अपॉन एम जी आर, ठीक है ना। तो ये कुछ मैथमेटिकल टर्म्स हैं जो आपको न्यूमेरिकल बेस पे याद करना है। मैं इसकी स्क्रीनशॉट करके आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड कर दूंगा, अटैच कर दूंगा गूगल क्लासरूम में, आप लोग आसानी से इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब ये कुछ बातें बता रहा है कि जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है, देख लीजिए, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हैज़ ए वैल्यू ऑफ 9.807 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कांस्टेंट वेलोसिटी होती है 9.807 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। और इक्वेशन के हिसाब से सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट क्या होता है, 2.013 एन स्क्वायर डी, ठीक है ना। और एन को एक्सप्रेस किया जाता है एस इनवर्स और डी इज द डी को मीटर से। तो ये कुछ इक्वेशंस थे। लास्ट की लाइन जो आपकी कह रही है वो ये कह रही है कि दस इफ इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज द सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट, इट इज ऑफ ग्रेटर एडवांटेज टू यूज अ सेंट्रीफ्यूगल ऑफ सेम साइज एट ए हायर स्पीड रादर देन यूज ए लार्जर सेंट्रीफ्यूग एट द सेम स्पीड ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब आज के इस लेक्चर का जो लास्ट पॉइंट है वो देख लीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। इस पूरे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, तो सबसे पहला करता है नंबर फर्स्ट लिक्विड विस्कोसिटी, सेकंड वन है लिक्विड डेंसिटी, थर्ड वन इज सॉलिड्स कंसंट्रेशन, फोर्थ है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, फिफ्थ है सरफेस चार्ज ऑफ पार्टिकल्स, सिक्स्थ है टाइप एंड शेप ऑफ पार्टिकल्स, सेवन्थ फीड रेट, एट्थ वन इज एजिटेशन स्पीड, नाइन्थ वन इज साइज ऑफ सेंट्रीफ्यूग, टेंथ हाइट ऑफ द केक, इलेवन मोड ऑफ ऑपरेशन एंड द लास्ट वन इज टाइम एट फुल स्पीड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ही ये पूरा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस डिपेंड होता है, ठीक है। इनमें से किसी भी चीज़ की बढ़ा या घटना पूरे के पूरे सेंट्रीफ्यूगेशन इफेक्ट को इफेक्ट डालेगा ही डालेगा, ठीक है ना। जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूग, या चलिए अभी एटलीस्ट ये क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूग कर ही लेते हैं। ये सेंट्रीफ्यूग क्या है, सेंट्रीफ्यूग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट मशीन होती है जो पूरे के पूरे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में मदद करती है, यानी सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, ठीक
ठीक है ना। अगर सेपरेशन करना हो दो तीन आपस की चीज़ों को, जो सॉलिड के कंटेंट है या पार्टिकल जो लिक्विड के अंदर नीचे बैठे हुए हैं उनको सेपरेट करना हो लिक्विड के लिए, तो सेंट्रीफ्यूग इसकी ज़रूरत आपको पड़ी ही पड़ती ही पड़ती है। या मान लीजिए बायोलॉजिकल टर्म्स में देखिए तो उसमें क्या होता है, माइक्रो सेंट्रीफ्यूग या सेंट्रीफ्यूग, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं हमारे कॉलेज में, लैब में भी मौजूद हैं ये। जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तो मैं इनको आपको दिखाऊंगा भी, ठीक है ना। उनका काम होता है जैसे मान लीजिए ब्लड के केस में, ब्लड के अंदर RBC भी है, WBC भी है, प्लेटलेट भी है, ठीक है ना, वगैरह वगैरह सब कुछ है। तो हमें अगर मान लीजिए WBC को RBC से या प्लेटलेट्स को अलग करना है या प्लाज्मा को अलग करना है ब्लड के अंदर से, तो हम इस सेंट्रीफ्यूग, इस इंस्ट्रूमेंट का ही सहारा लेते हैं। तो कुल मिला के बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये सेंट्रीफ्यूग क्या इंस्ट्रूमेंट है, जिसका काम है सेपरेशन करना, अलग करना दो तीन चीज़ें जो आपस में मिली हुई हैं, जो विस्कस हैं, गाढ़ी चीज़ें हैं, उनको अगर आपस में आपको अलग करना है तो आपको सेंट्रीफ्यूग की ज़रूरत पड़ेगी। या इसी तरीके से अगर कोई लिक्विड है, लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स हैं जो नीचे बैठे हुए हैं ड्यू टू ग्रेविटी, तो अगर आपको उनको अलग करना है आपस में तो इसके लिए आपको सेंट्रीफ्यूग की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूग देख लीजिए। इंडस्ट्रियल सेंट्रीफ्यूग कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री मेन टाइप्स, तीन मेन भागों में इंडस्ट्रियल यूज़ के हिसाब से सेंट्रीफ्यूग को डिवाइड किया गया है। नंबर वन होता है आपका फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूग, सेकंड होता है आपका सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूग, और थर्ड होता है आपका कॉन्टिन्यूअस सेंट्रीफ्यूग। तो पहला देख लीजिए फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूग क्या है। दोज यूजिंग परफोरेटेड बास्केट विच परफॉर्म ए फिल्ट्रेशन टाइप ऑपरेशन वर्क लाइक ए स्पिन ड्रायर। तो ये जो बास्केट, परफोरेटेड बास्केट है, ये सारी की सारी लैब स्केल में भी और इंडस्ट्री में आमतौर पर देखने को मिल जाती है। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये सारा का सारा दिखा दूंगा कि क्या होती हैं ये। तो फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूग के अंदर आ जाती हैं परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग, है ना, जो वर्क करती है लाइक स्पिन ड्रायर। जैसे आपकी वॉशिंग मशीन होती है ना, वॉशिंग मशीन में एक तो धोने वाला होता है, एक सुखाने वाला जो ड्रायर होता है, तो वो क्या होता है उसके अंदर आप देखते हैं कि वो गोल 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 घूमता है। तो ये स्पिन ड्रायर की फिलॉसफी पे काम करती है। और इसका एग्जाम्पल होता है परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग या सेमी कॉन्टिन्यूअस सेंट्रीफ्यूग। इसी तरीके से दूसरा है सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूग। तो इस सेडिमेंटेशन यानी कि क्या होंगे, कोई लिक्विड होगी उसके अंदर पार्टिकल्स नीचे बैठे होंगे, अगर उनको सेपरेट करना है तो आप सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूग का सहारा ले रहे होंगे। इसके अंदर क्या रहा है, दूज विद ए सॉलिड वॉल्ड वेसल वेयर पार्टिकल्स सेडिमेंट टुवर्ड्स द वॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यही पार्टिकल्स जब दीवारों पर चिपके रहते हैं या नीचे की तरफ बैठे रहते हैं, अगर आपको उनको हटाना है या उनको सेपरेट करना है तो आपको सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूग की जरूरत पड़ती है, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, ट्यूबुलर बॉल सेंट्रीफ्यूग, नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूग, सुपर सेंट्रीफ्यूग, कॉनिकल डिस्क सेंट्रीफ्यूग। और आज का थर्ड और लास्ट जो पॉइंट है वो है, यह क्लासिफिकेशन है कॉन्टिन्यूअस सेंट्रीफ्यूग। जब आपको कंटिन्यूअस ऑपरेशन, लगातार ऑपरेशन करना पड़े, ऑपरेशन का मतलब लगातार काम करवाना पड़े, लगातार कंपनी के अंदर काम हो रहा हो, तो ऐसे समय पे आपको कॉन्टिन्यूअस सेंट्रीफ्यूग की जरूरत पड़ती है। इसमें क्या हो रहा है, दोज वेयर ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस और वेरी हाई कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए कॉन्टिन्यूअस हॉरिजॉन्टल सेंट्रीफ्यूग। तो ये ओवरऑल आज का जो लेक्चर था, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था जिसमें मैंने आपको ये बताया कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, इसमें कौन कौन सी प्रिंसिपल और थ्योरी इन्वॉल्व होती है, कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये इन्वॉल्व होता है, और लास्ट में हमने जाना कि जो इंस्ट्रूमेंट होता है जो इस सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में यूज़ किया जाता है उसको हम सेंट्रीफ्यूग कहते हैं। और ये तीन तरीके से क्लासिफाई किया गया है इंडस्ट्री के एस्पेक्ट्स में, पहला फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूग, दूसरा सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूग, और थर्ड कॉन्टिन्यूअस सेंट्रीफ्यूग। नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो हम इसके आगे की बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोग को समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी होगी आप गूगल क्लासरूम में जाके मुझसे बात कर सकते हैं या मुझे बता सकते हैं। इनकी जो PDF है वो मैं अभी आपको इसी लेक्चर के साथ अटैच कर देता हूँ। थैंक यू।